अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक इन सनास किचन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं किचन में बना रही हूँ कीमा फलियाँ। ज़बरदस्त सिंपल सी डिश है, डेली बेसिस के खानों के लिए बहुत ही अच्छी है। आज मैं घर के लिए बना रही थी, सोचा शूट कर लूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को, जिसके लिए सबसे पहले मैंने एक कप घी ले लिया है कढ़ाई में। घी को मैंने कर लिया है गरम और इसमें दो बड़े साइज़ के प्याज काट कर डाली हैं। और प्याज को मैं इतना फ्राई करूँगी कि प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है, हमें सिर्फ लाइट गोल्डन सा ही फ्राई करना है। यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन सा फ्राई हो गया है, बस इसको हल्का सा शेड चेंज हुआ है। तो मैंने इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब क्रश किया हुआ अदरक, यानी कि 1 चम्मच के करीब अदरक डाल रही हूँ। और 1 टेबल स्पून 1 चम्मच के ही करीब डाल रही हूँ क्रश किया हुआ लहसुन, और साथ ही डाल रही हूँ 5 अदद सूखी लाल मिर्च। इन तीनों चीज़ों को 1 मिनट तक मैंने फ्राई किया, इतना कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और इसको अच्छे तरीके से भुना जाए। फ्लेम मैंने शुरू से लेकर अब तक मीडियम रखी हुई है, हाई फ्लेम पर नहीं कुक कर रही हूँ, मीडियम फ्लेम पर सब कुछ कुक कर रही हूँ। यहाँ पर 1 मिनट हो गया, अब मैं इसमें डाल रही हूँ कीमा। कीमा मेरे पास 1 किलो है, आप चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने मटन इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो चिकन या बीफ जो भी आपको अवेलेबल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को इतना फ्राई करने हैं कि इसका कलर वाइट हो जाए और इसका पानी ड्राई हो जाए, यानी कि एक तरह से इसको भून लेना है घी के अंदर। उससे ये होगा कि इसकी एक ख़ास स्मेल जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें से अच्छी सी मज़े की लहसुन अदरक की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर मैं 1/2 किलो के करीब डाल रही हूँ फलियाँ, साथ ही इसमें डाल रही हूँ 3 भरे टमाटर लिए थे उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, वो शामिल कर दिया है। इसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 चम्मच भर के डाल रही हूँ पिसा हुआ सूखा धनिया, साथ ही इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के पिसा हुआ ज़ीरा, साथ ही इसमें चाय का नमक हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब, हल्दी डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसे तब तक पकाऊँगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और घी ऊपर नहीं आ जाता। इसको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए मुझे 8 मिनट हो चुके थे जब इसका पानी ड्राई हो गया और घी ऊपर आ गया। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मज़ीद भूनूँगी ताकि फलियों की ख़ास स्मेल ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसको 2 मिनट और हो चुके हैं, मैंने यहाँ पर 3 गिलास पानी डाला लेकिन मुझे कम लगा, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड कर दिया और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके कुक होने के लिए रख दूँगी तब तक जब तक फलियाँ अच्छे से गल जाएँ और तरी ऊपर आ जाए। यहाँ पर इसे कुक होते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, पानी ड्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया, मैंने थोड़ा सा इसमें मसाला रखा है क्योंकि मुझे मसाले के साथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में भी सबको इसी तरह से पसंद है। अगर आप चाहें ड्राई करना चाहते हैं तो इसे मज़ीद ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1/2 टेबल स्पून डाल रही हूँ पिसा हुआ गरम मसाला, ताज़ा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च आपके फ्लेवर के मुताबिक, अगर आपको पसंद है तो आप डालें वरना हरी मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। ज़बरदस्ती फलियाँ कीमा तैयार है, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।